बहुत 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 एक्साइटेड हूँ मैं शो के लिए। हमेशा से एक ऐसा ही कैरेक्टर मैं चाहता था, थोड़ा नेगेटिव, और वही मैं हूँ एंड वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स हूँ मैं शो में एंड ये नेगेटिव लीड्स मुझे बहुत पसंद है। तो हियर आई एम। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग रोल है मेरा। मैं जो सुरेश बेरी जी हैं उनकी सिस्टर का बेटा बना हूँ और मेरी नज़र इनकी जायदाद पे है और इनके बिजनेस पे है सारी। अभी मैं बहुत स्वीट बनता हूँ इनके साथ पर एंड में मैं बहुत बड़ा विलन निकलता हूँ। तो ये मुझे बहुत ही पसंद आया और बहुत ही अच्छा रोल है ये। हमेशा से संजय दत्त की वास्तव फिल्म मेरी फेवरेट रही है, तो बस हमेशा से एक ड्रीम थी एक नेगेटिव रोल करने की, सो व्हाट बेटर देन दिस। देखो बिग बॉस ने मुझे एक बड़े अच्छे नायक की इमेज दे दी है, पर मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। तो यही बहुत कैची चीज़ है और मुझे बहुत पसंद आई एंड आई लव प्लेइंग नेगेटिव। काम तो सारे मैं अटके ही करता हूँ, चाहे वो बिग बॉस हो या मेरा डेब्यू टीवी में हो, एंड मेरा कैरेक्टर ही थोड़ा हटके है तो डेफिनेटली एंट्री तो धमाकेदार होनी ही थी एंड थैंक्स टू द प्रोडक्शन। बहुत दिस इज़ स्टिल अ सरप्राइज फॉर एवरीबॉडी। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया एंड फिंगर्स क्रॉस रखी थी मैंने एंड टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द शूट। आज मैं सबको बताऊंगा एंड मैं क्या बताऊंगा आप लोग मुझसे पहले बता दोगे, सो आई हैव केप्ट इट एज अ सरप्राइज। देखिए पुनीश का ये नया अवतार देख के लोगों को बहुत मज़ा आएगा। अभी तक मैं एक रियलिटी स्टार था एंड अब मैंने एक्टिंग शुरू की है, तो मेरी एक्टिंग भी शायद लोगों को बहुत पसंद आएगी एंड शो में तो बहुत सारे कलर्स हैं मेरे, तो बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू। थैंक यू।